नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंगन किसे और कब नहीं खाना चाहिए, साथ ही कुछ बैंगन खाने के फायदों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे बैंगन के जो लाभकारी गुण हैं उनके बारे में भी। तो बैंगन एक प्रकार की सब्जी है और हम इसे सब्जी के रूप में ही उपयोग करते हैं और ये लगभग हर मौसम में उपलब्ध रहती है, तो एक तरह से ये सदाबहार सब्जी है और सर्दी के मौसम में इसको खाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं वो अन्य सब्जियों में नहीं होते और बैंगन थोड़ा सा शरीर को गर्मी देता है जिसकी वजह से ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छा रहता है। भारत विश्व में इसको दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, विश्व में चीन सबसे ज़्यादा विश्व में बैंगन उत्पादित करता है। तो ये जो बैंगन है वो बैंगनी रंग के अलावा हरा और सफ़ेद रंग का भी होता है, लेकिन बैंगनी रंग है वो अधिक लाभदायक इसके लिए रहता है। अगर आप बैंगनी रंग वाला बैंगन खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटा होता है, बड़ा भी मिलता है, लंबा और पतले आकार में मिलता है। साथ में इसको आप भाप में पकाकर, भूनकर, उबालकर या तलकर खा सकते हैं। इसको पकाकर खाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं वो नष्ट नहीं होते हैं इसको पकाने से, तो बहुत अच्छा ये रहता है और आयुर्वेद ने भी इसको बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ सब्जी माना है। तो अगर आप बैंगन की सब्जी ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं तो आपको ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बैंगन रुचि को बढ़ाता है, ये हमारे शरीर में पित्त पैदा करता है, धातु को बढ़ाता है, नींद लाता है, कफ और खांसी बढ़ाता है। आग पर भुना बैंगन का भरता खाकर आप अपना जो वात और पित्त है उसको शांत कर सकते हैं। तेल और हींग में बनी हुई बैंगन की सब्जी वायु प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। कफ प्रकृति वाले और अन्य सब के लिए सर्दी के मौसम में बैंगन का सेवन बहुत ही गुणकारी रहता है। बैंगन अमाशय को ताकत देता है, पेशाब खुलकर लाता है, चोट या कहीं मोच आने पर हल्दी या आंबा हल्दी के साथ इसकी सिकाई करने से आराम मिलता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और इस समय आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आपको सूट करता है तो आप बैंगन खा सकते हैं। बैंगन का जो रंग है वो उसमें नेसोनिन नाम का एक तत्व होता है उसकी वजह से होता है और ये एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। बैंगन में जितनी मात्रा में ये तत्व होता है अन्य सब्जियों में ये तत्व नहीं होता है। नेसोनिन तत्व की अनोखी विशेषताएं बैंगन को ज़्यादा लाभदायक बना देती हैं। बैंगन एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट वाला फल है, यानी सब्जी है ये, और डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम करता है, साथ में वजन कम करने, ब्लड प्रेशर कम करने, मूड अच्छा करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा ये जो तत्व हैं बैंगन के ये सेब में पाए जाते हैं, नाशपाती, टमाटर और आलू में भी पाए जाते हैं, लेकिन बैंगन में थोड़े ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, B3, B6 और मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर और पोटेशियम होता है। इसके अलावा मैंगनीज और जिंक भी इसमें पाया जाता है। तो अगर आप बैंगन का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने में और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दिमाग की कमजोरी हमारे शरीर में आ जाती है उसको दूर करने में, साथ ही ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोक देता है और बहुत सारे हमारे लिए फायदे करता है। बैंगन में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो भोजन है वो वजन कम करने में सहायक होता है, पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाता है ये। अब हम आपको बताएंगे कुछ नुकसान जो बैंगन का सेवन करने से आपको हो सकते हैं। देखिए, बैंगन में पाए जाने वाला नेनुसिन जो तत्व है वो विशेष परिस्थिति में नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। यह तत्व आयरन का कैलेशन कर सकता है, ये आयरन का कैलेशन कर सकता है जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर से लौह तत्व निकाल देता है ये। जिन महिलाओं को खून की कमी हो उनको बैंगन का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए और इसके अलावा अगर आप जो एक तरह से हम कहें नकसीर आने की समस्या हो, खूनी बवासीर की समस्या हो तो आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था के दौरान भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये जिन लोगों को किडनी में पथरी की शिकायत हो उनको भी बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। इसके अलावा
आपको जो है, कई बार हम मानते हैं कि एक तरह से ये हमारा पेट दर्द दूर कर सकता है, उल्टी सिर दर्द वगैरह भी ये दूर कर सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बैंगन का सेवन करेंगे तो आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द आपका बढ़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, और इसके अलावा ये थायराइड की परेशानी को बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने बात की है, यहाँ पर आपको बैंगन के कुछ फायदे बताए हैं और कुछ नुकसान भी बताए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।